सो एक किसान आगू आप सारे किसानी नाल भी जुड़े हैं, आड़त नाल जुड़े वीर बैठे आ, सारे सारिया के मन च दर्द आ, सारे चाहते इस मसले का हल हो। तीन खेती कानूना नू रद्द करन वास्ते सारे आपो अपना योगदान पा रहे, सरकार अपना काम करती है, असी अपना काम कर रहे हैं, सारे आपो अपनी जगह ते कोई लंगर की सेवा कर सकता, कोई पैसे की कर सकता, कोई हाजरी भर सकता, कोई उत्थे बैठ सकता, कोई इत्थों ही कोई प्रेर के संगतां नू भेज सकता, कोई गुरु अगे अरदास नित अरदास हुंदी आ जिथे भी समागम हुंदा किसानी अंदोलन की सफलता लई। जदों भी कोई गल हुंदी, कल लाठीचार्ज होया करनाल दे विच किसानां ते, नाल दी नाल असीं आखिया इह लाठीचार्ज मसले का हल नहीं है, गलबात हल आ, सरकार लाठीचार्ज ना करे, गलबात करे, गलबात करके इस मसले का हल होना, गलबात होनी चाहिए है। सानू हर एक नू समझना चाहिए, धरने मुजारियां दा एंड भी गलबात दे नाल होना, कल्ले धरने मुजारे भी हल नहीं है। सरकारां नू अपनी गल कहनी भुख लगती है ते बच्चा रोंदा ते मां दुध देंदी है, गल गलत लगती असीं अपना प्रोटेस्ट करते हैं, पर वो साडा एक जावते च होना चाहिए, एक जावते च। सैकड़े किसानां दीआं जानां चलिया गईआं, दुख आ, पर साडा जिहड़ा संघर्ष आ दिल्ली दे बार्डरां ते असीं शांतमई संघर्ष लड़ रहे हैं। स्टेटां दे अंदर असीं कपड़े पाड़न तक जाने, गड्डियां तोड़दे हैं, असीं सारा कोई हर एक पक्ष नूं देखना पऊगा, निरपक्ष गल करनी, दोने पक्ष देखने पैणगे, असीं कित्थे खड़े, सरकार कित्थे खड़ी है। सानू अपनी गल कहण दा पूरा हक है, संघर्ष दा हक आ, प्रोटेस्ट दा हक आ, सानू संविधान दीआं धरावां हक दिंदियां ने, पर हर एक चीज दा जावता, सरकार अपने जावते च रहे, असीं अपने जावते च रह के गल करनी, जिहड़ी सानू नहीं चंगी लगदी असीं सरकार अगे रखणी आ, सानू नहीं चंगी लगदी करो। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपना फर्ज निभाया, मुख्यमंत्री नाल गल कीती, असी कहा कि भाई हल होना चाहिए, सारा वफद गया, वफद ने अपनी जिहड़ी गल सी रखी, हुण सरकारां नाल गल, सरकार दे भी खेतीबाड़ी मंत्री उस पार्टी दे, जे कोई कहे कि फलानी पार्टी दे मंत्री नाल गल क्यों कर ली, भी जिन्हां नाल तुसीं करनी भाई वह भी उस पार्टी के जिहड़े राज करदे उन्हां नाल ही गल करनी है। हुण इत्थे नैलो नाल गल थोड़ी होनी है, इत्थे अकाली दल नाल गल थोड़ी होनी है, इत्थे कांग्रेस नाल गल थोड़ी होनी है, इत्थे गल तां उन्हां नाल ही होऊ ना जिन्हां दा राज आ, जिहड़े राज करदे आ, ते हर बंदा अपने तरीके नाल, कोई किस तरह, बाकी सारे काम कार इसे तरह चलदे आ। बरगाड़ी दा संघर्ष चल रहा सी, किसानां दे अंदोलन भी नालों नाल चल रहे सी, कौम बरगाड़ी भी जा रही, बेअदबी दा मुद्दा वड्डा मुद्दा, धर्म दा मुद्दा, पर नाल ही धरने मुजारे चल रहे, कदे इतराज नहीं कीता उन्हां दीआं सरकार नाल मीटिंगां भी हुंदियां, आ हुण भी देख लो एक पासे मसला हल होया, उन्हां ही किसान आगूआं ने उसे मुख्यमंत्री दे मूंह दे विच मिठाई दे लड्डू पाए, मिठाई दीआं टुकड़ियां पाईआं, मुख्यमंत्री पंजाब दे, तुसीं देख रहे सारा की मसले हल हो गए, हुण बेअदबी दा मसला हल हो गया। एक गल दे उत्ते कि गन्ने दा भाव 35 रुपये वधाता, ओदे उत्ते ही उसे मुख्यमंत्री दे सोले गाउण लग गए जिन्हें अजे तक बेअदबी दा इंसाफ नहीं दिता सानू, अजे तक साडे बच्चियां नू नौकरियां नहीं दित्तियां, घर घर नौकरी नहीं दित्ती, अजे तक साडे करजे मुआफ नहीं कीते, कहिंदा सी आड़तियां वाले भी माफ, कोऑपरेटिव बैंकां दे भी माफ, सारे करजे माफ कर देंगे, अजे कुछ नहीं कीता। एक गल ते ही मिठाई दे लड्डू साडे किसान किन्हां ने बाईकाट कीता मैनू दसो ना आगूआं दा, फिर यह सारिया गल्लां समझण वाली है, जिन समझण वालियां ने, जिन्ना हो गया ठीक है, धन्नवाद आ गां, फिर आपां तोप दा लसंस मंगिया सी, रिवालवर दा मिल गया, धन्नवाद आ गां, फिर तुर पो, जिथे साडी गलबात आ, अपना संघर्ष जारी मुकिया नहीं है। हर बंदा आपो अपने तरीके नाल, कोई कहिंदा सरकार दे मंत्री ने आ कहता, मुख्यमंत्री ने आ कहूगा, भाई अगले दी पार्टी आ, आपां सौ कुछ कह रहे उन्हां भी कहना, जिन्ना चिर आमो सामने खड़े आ ललकारे वजदे आ, पिंड दे विच भी वेख लो जदों झगड़ा हुंदा दोने पार्टियां ललकारे मारदियां, ललकारे वजदे आ, पर जदों एक टेबल ते बह के राजीनामा हो जांदा मुड़ के पता भी नहीं लगदा भी ये कदे लड़े भी सीगे, इन्हां दा कदे झगड़ा भी रहा, ये कदे लड़े भी सी, जदों राजीनामा हो जांदा फिर नहीं पता लगदा, पर जिन्ना चिर आमो सामने खड़े सौ कुछ कहना, सरकार दी पार्टी दे बंदे उन्हें अपनियां गल्लां करनियां, असीं अपनियां करनियां, अपने हकां लई खड़े आ,
हकां की लड़ाई लड़नी है असीं सरकार नूं मजबूर करना कि आह काम जिहड़ा जायज आपां उहनां नूं पुट करना भी आह साडा जायज है करो। होर भी बड़े मुद्दे आ, मैं एक होर बेनती करां नालों नाल आ पिछले दिनी साडे सिख्या विभाग यूनीवर्सिटियां दे आगू भारत दे बीजेपी दे प्रधान जेपी नड्डा दे नाल दिल्ली च बैठे अखबारां च छपिया कि हुण जे संघर्ष चल रहा ते उह सिख्या वाले मसले सारे छड्ड देण कि उन्होंने गलबात नहीं करनी। उन्होंने गलबात की है संघर्ष च भी साड़ी हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी है किसान संघर्ष तीन कानूनों का नौ महीने पहला चलिया जां साल पहला चलिया। साड़ी हरियाणा कमेटी का संघर्ष 20 साल का चल रहा भी असी हुण वो जिहड़ा 20 साल वाला संघर्ष है वह छड्ड दईए असी उहदी गल ना करिए। किसानी संघर्ष च अपना योगदान दे रहे हैं जिन्ना हो सकता असी नाल खड़े हाँ, पर जिहड़े हरियाणा कमेटी के काम आ धर्म के काम छड्ड दईए सारे गुरुद्वारे प्रबंधां दे छड्ड दईए खाई जाण दईए लुट के जिदा खाई जा रहे हैं लोग जिन्हां तों आपां आजाद करवाउणा चाहुंदे हां कब्जे छुड़ाउणा चाहुंदे हां कि उह छड्ड दईए सारा कुछ ते जे असीं इहनूं स्टैबलिश करना ते सरकार नाल गल करनी पऊ मंत्रियां नाल करनी पऊ। ते मैं एक होर बेनती करदे हां साडे गुरु घर दे अंदर कोई गुरु साहब ने चार दरवाजे रखे ही तां आ कोई आवे चारों दरवाजिया ते दरबार साहब गुरु घर आउण तों किसे नूं नहीं रोकिया जा सकदा। गुरु घर दे विच सब नूं जी आया सब दा सत्कार आओ मत्था टेको लंगर प्रशादा पाणी छको सब नूं जी आया गुरु का निशान साहब झूलदा इत्थे किसे नूं हां जदों कोई संघर्ष की गल हो इत्थे आउण वाले नूं भी कहांगे भाई एदां नहीं एदां कर आ साडी मंग आ आ साडा हक आ पर एवें ड्रामेबाजियां करनियां लग डाटा कढ़निया वैर विरोध ईरखा द्वैष जां अपने आप नूं उह टटीरी वांगू समझना भी साडियां लत्तां ते असमान थम्मिया इह भुलेखे सानूं कढ देणे चाहीदे कि भाईचारा प्यार इतफाक एक ताकत बना के एक मुठता दे नाल मेरी गल याद रखियो जे आ संघर्ष गुरु कृपा करे जल्दी फतेह हो जावे नहीं तो पंजाब च आ रही इलैक्शन 6 महीनिया 2022 दी आ तुसी देखियो किवें पग्गां लैंदियां किवें गोलियां चलदियां मुकदमे हुंदे आ क्यों हर बंदा पार्टी नाल जुड़िया आ मेरे पिंड दे विच इत्थे किन्ने कांग्रेस नाल आ इत्थे किन्ने जेजेपी नाल आ किन्ने बीजेपी नाल आ अज जिहड़े गल्लां करदे ही चादरां विछा के इन्हां ने वोटां पाईआं ने अज जिहड़े धरने लाउंदे उन्हां ने वोटां पाईआं मैं वोटां नहीं पाईआं ये उन्होंने वोटां पाईआं जिहड़े अज मजारे करदे अज फेसबुकां ते कमेंट पाउंदे वोटां उन्हां ने पाईआं सुन रहे होणगे हुण वी ये वोटां उन्हां ने पाईआं बूथ उन्हां ने लाए आ हरेक पार्टी दे आ इत्थे सारिआं दे होणगे हरेक जगह ते आ हर बंदा पार्टी नाल जुड़िया विरले रह गए जिहड़े पार्टियां तों निर्लेप होणगे होणा की आ हुण कहिंदे सियासियां दा विरोध करो पिंड च ना वड़न दिओ पंजाब च आगूआं दा हुकम आ होना की आ जिहड़े अकाली किसान आ उहनां कांग्रसी आगूआं नूं झंडियां दिखाउणियां जिहड़े कांग्रसी किसान आ उहनां अकालियां नूं झंडियां दिखाउणियां दोनों ने रल के झाड़ू वालियां नूं दिखाउणियां झाड़ू वालियां ने इहनां नूं दिखाउणियां ते सारिआं ने रल के बीजेपी वालियां नूं दिखाउणियां खड़कणगीआं डांगां कि नहीं उत्थे दसो हुण राज कानून बीजेपी सरकार ने बनाए आ पर उत्थे झंडियां कांग्रसीआं नूं भी दिखाईआं जाणियां अकालियां नूं भी दिखाईआं जाणियां झाड़ू वालियां नूं भी दिखाईआं जाणियां ते उत्थे गुथम गुथा होणा उत्थे लड़ाईआं झगड़िया हो गए शुरू तुसीं देख लो पंजाब दे अंदर की हालात आ। मैं बेनती करनी चाहुंदा वाहिगुरू अगे अरदास भी करनी चाहुंदा कि अमन शांति बनी रहे विदाउट वायलेंस ये मसले का हल होवे साडी किसानां दी मंग जिहड़ी पूरी होवे केंद्र सरकार नूं कोई फर्क नहीं पैंदा जो 3 कानून रद्द कर देण कोई फर्क नहीं पैंदा जे साडी किसानां दी मंग आ सरकार नूं मननी चाहीदी आ। सानू कोई मंत्री मिलिया सानू चेयरमैन मिलिया सानू कोई मिलिया असीं इही आखिया भाई जदों नहीं चाहुंदे किसान क्यों तुसीं जबरदस्ती आपां किसे नूं मनाउणा चाहुंदे आ जां फायदे गणा दिओ भी की फायदे आ बैठ के गणाओ विच भी आह फायदे आह तुसीं मंगदे आ आह असीं करदे आ ये सारा कुछ सामने होना चाहिए। सो मैं बहुते विस्थार विच ना जावां मैं यही बेनती करनी चाहुंदा आपो अपने खेत्र च सेवावां करो आपो अपने धर्म विच परपक्क होना दूजे धर्मां दा सत्कार करना एक भाईचारा प्यार ते इतफाक बना के रखना डांगां जदों मर्जी चक लो आमो सामने जदों मर्जी खड़ लो कोई नहीं रोकदा ते कोई किसे तों घट नहीं आ हरेक आथणे पाईआ आटा खा के सौंदा वा
कोई घट नहीं खांदा, हरेक आपो अपने घरां दे विच पाइया आटा खा के ही सौंदा वा। सो इस करके सानू भुलेखियां च नहीं रहना चाहिए, सगों सानू अपने संघर्ष नू सफल करन लई एक भाईचारक सांझ एक एकता इतफाक पैदा करना चाहिए। अज तां हरेक नू लाला सिटी जाने, हरेक नू खिताब वंडी जाने, हरेक नू ही असी किसे नू नाल लै, असी दुश्मन ज्यादा बना ले मित्र घट बनाए, बनाने सानू मित्र चाहिए। असी मित्रता वाले पासे तुरीए, समा पा के सारी गल सामने आनी है, समय ने जवाब देना इन्हां गल्लां दा। ते मैं हथ बन के बेनती करदा सारियां नू कि आओ आपो अपना योगदान समाज की सेवा च, धर्म की सेवा च, किसानी संघर्ष विच साडे इत्थे पीस रहे, विदाउट वायलेंस अमन शांति रहे, सब कुछ हो जूगा। जे अमन शांति भंग होगी, जाना चलिया किदां जा रही, की लाठीचार्ज हो रहे, ये नुकसान मुड़ के पूरे नहीं होने, ते यही सारा कुछ होना। एक गल फतेह हुई है ते लड्डू सीएम दे मुंह च गए आ, जदन मोर्चा फतेह हो गया उदन पीएम दे मुंह च भी इन्ना नहीं लड्डू देने आ। ते जिहड़े घरां दे चिराग बुझ गए आ, 600 तो वध जिहड़े चढ़ाई कर गए, उन्हां दा कौन जिम्मेवार आ मैनूं दसो, उन्हां दा कौन जिम्मेवार, कौन ना लैंदा उन्हां दा। एक दिन बस घरे अफसोस ते दसवें दिन पा के भोग ते काम फते आ। समाज सेवी संस्थावां ही लगियां जिहड़ियां सेवा कर रहियां, देशां प्रदेशां चों सिख बैठे विदेशां च गए, लंगरां दी सेवा, मैडिकल दी सेवा, हर तरह सेवावां। सो मैं यही बेनती करनी चाहुंदा सारिआं नूं, भाईचारा प्यार इतफाक पैदा करिए, दायरे च रह के विरोध भी आ, दायरे च रह के कानून दे विच रह के सानू सारी गलबात करनी चाहीदी। हर बंदा आपो अपनी जिम्मेवारी, सारा कुछ नालों नाल ही चलदा रहिंदा, किसान संघर्ष चल रहा उहदे च वी बनदा योगदान। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे अपने मसले सरकारां नाल गलबात मंत्रियां संतरियां नाल, किसान संघर्ष एक साल तो चलिया, ये 20 सालां दा संघर्ष आ, जां 1966 अपना 66 दा जदों दा पंजाब हरियाणा बनिया उस वेले दा वक्खरी कमेटी दा मसला, ते असी उहनूं हल करन वास्ते कानूनी लड़ाई जिहड़ी लड़ी जा रही गुरुद्वारिआं दे प्रबंध लई, मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा भावें कम सारे कमेटी दे एग्जैक्टिव दे आ, पर टारगेट मैनूं इकल्ले नूं कीता जांदा, पर मैनूं इस गल दा कोई फर्क नहीं पैंदा। मेरा गुरु जाणदा, संगत जाणदी आ, नीयत साफ दे नाल कम कर रहे हां, गुरु की कृपा दे नाल मैनूं पूरा भरोसा सी सफल होवांगे। जय जयकार होवेगी पंथ की भी धर्म की, जयकार की उह धर्मियां का, पापी को दंड दियो, ते जिहड़ा वादा घाटा करदा उहदे नाल सख्ती नाल पेशो, अपने गुनाहां दी आप ही सजा पाउंदा, क्योंकि पापी के मारने को पाप महाबली है, उहदा अपना ही पाप हुंदा जिहड़े पापी हुंदे आ। ते सानू किसे तरह दे वी गुमराह कुन गल्लां च नहीं आउणा चाहीदा, बहुत बंदे गुमराह कुन गल्लां करदे आ, गुमराह कुन निजी झगड़े लड़ाइयां रंजिशां उह कढ़न वास्ते 1984 तों बाद खाड़कूवाद दे नां ते कई लोगां ने अपनियां रंजिशां कढ़ियां, बद फैलियां कीतियां, फरौतियां लईयां, बदनाम कौन होया, संघर्ष बंदे मारे बेकसूर है, बदनाम कौन होया, जेड़े कौमी लड़ाई लड़ रहे सी संघर्ष बदनाम होया। अज कईयां ने रंजिशां निजी आ ते ना किसानी संघर्ष दा, झंडा किसानी दा कढ रहे रंजिशां, किसान ते बदनाम कौन हो रहा, किसानी संघर्ष। आगुआं नूं भी वेखना पऊगा, क्या जिहड़ियां कालियां बिल्लियां आ ब्लैक कैट्स, कालियां भेड़ां बड़ियां, इह किसान संघर्ष दे वोट लै के रंजिशां कढ रहियां, ते बदनाम किसानी संघर्ष नूं, जिहड़ा पवित्र संघर्ष है किसानां दा, अपने हक्कां दी लड़ाई दा, उहनूं बदनाम कर रहे आ। इह उहनां दा पता भी उहनां नूं साफ करना पऊगा, नहीं ते जिहड़ियां अहुदेदारियां अंदर खाते दिन रात जिहड़ा जो कुछ कर रहे आ, रंजिशां कढ़दे गिले शिकवे, इन्हां तों सुचेत होना पऊगा, नहीं ते बदनाम संघर्ष नूं करनगे। सो इस कारण करके मैं बेनती करदा, आओ सारे इन्हां गुरमुखां नूं सेवावां मिलियां, गुरु दा धन्नवाद कर रहे, शुक्र कर रहे, आपां सारे हमेशा ही गुरु दा शुक्र करदे आं, अरदास करदे आं कि सच्चे पातशाह संसार ते करोना महामारी वर्गियां बीमारियां फैलियां, कैंसर करोना वर्गियां, इन्हां तों संसार तों इन्हां दा खात्मा करो, इन्हां तों बचाओ संसार नूं, सरबत दा भला करो, सब नूं तंदरुस्ती, हरेक दे घर दुध पुत दी दात दो, सरबत दा भला करो। गुरु अग्गे अरदास करदे आ, चल रहे किसानी संघर्ष विच सफलता बख्शो, इह वी गुरु अग्गे अरदास करदे आ। इह सारा मोर्चा भी फतेह हो जाणा, पर जिहड़ियां असीं विथां पा लीआं आपस विच, इह नहीं मुड़ के मिटणियां, इह दराड़ां जिहड़ियां इह नहीं मिटणियां, संघर्ष चलदे आ।
ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀਆਂ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੱਲ ਭਰਾਵਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਛੱਡ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਘਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ। ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਘਰੇ, ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਾ ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਹੋਵਾਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੱਕੜਹਾਲੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਡਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਗੁੱਸੇ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂਓ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਊਂ, ਪਰ ਆ ਚੱਕ ਕੁਹਾੜਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਫਰੈਂਡ, ਮਿੱਤਰ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਪਊ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜੂੰਗਾ, ਚਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੰਪੈਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਹਾੜਾ ਚੜਾਇਆ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੇ, ਪਾੜ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਲੰਗਾਰ ਲਾਤਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬਚਣਾ, ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹੁਣ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਰ। ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਲਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਜੰਗਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਨਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ ਡਰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹੀ ਬਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ। ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਲੱਕੜਹਾਲਾ ਡਰੇ, ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਮਿਸਤਰੀ ਡਰਿਆ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਡਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੱਟ ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਜੱਤ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਸੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਨਾ ਮਾਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਲੱਕੜਹਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਾਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਦਾਗ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਿਟ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਭਰਾਵਾ ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਹਾੜਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਾੜ, ਲੰਗਾਰ ਲਾਇਆ, ਮਿਟ ਗਿਆ, ਦਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਰਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਨੇ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਆ। ਤੇਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੜਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਰਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਤਾਬ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਕੇ, ਕੱਲ ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਸਿਵਿਆਂ ਜਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਸੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੱਡਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਸੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਟ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਭਲੀ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਜਗਤ ਜਲੰਧਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿੱਤ ਦੁਆਰਾ ਉਭਰੈ ਤਿੱਤਾ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰ। ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੋਭਾ, ਚੰਗੇ ਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ। ਗੁਣਾਗਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀ ਆ, ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਕਰਾਏ, ਚੰਗਾ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ,
तुहाडे सहयोग नाल गुरु की कृपा बड़े वड़े स्थान बड़े वड़े साधु संत बैठे मैं सत्कार करदा सन्मान करदा सब दा पर मैनू दसो किहड़े स्थान तो लोग भलाई दे कारज चलदे आ किहड़े स्थान तो जिथों लोगों के समाज के भले दे काम हो रहे होण अफीमा भुकियां समैकां ते वंडियां गईयां होणगियां पर मैनू दसो किहड़ा स्थान आ जिथों गरीब एक धी विआह के ना एक धी विआह के करजा नहीं लैंदा रस्सा लैके खूह ते जाके गल च पा के फाहा लैंदे आ धी विआही सी करजा नहीं लिया एक धी विआह के फाहा लैण तुरदे इत्थे सैकड़े धीआं विआहियां गईआं हर साल 21 लड़कियां जिन्हां गरीबां दीआं धीआं बारों उठियां उहनां नूं पुछ के देखो इस स्थान की महत्ता की आ लोक भलाई दे कारज की हुंदे आ जिन्हां गरीबां दीआं धीआं अपणीआं धीआं वांगू साजो समान दे के पूरा धीआं वांगू विदा कीता उहनां नूं पुछ के देखो इस स्थान की महत्ता की है इत्थों लोक भलाई दे कारज उह लैबोरेटरी खुल रही आ सबने उत्थे टेस्ट कराने फ्री वांगू ईसीजी फ्री वांगू लखां रुपईआं दीआं मशीनां लगणीआं ने और ये सेवावां सारे इलाके नूं जिथे आ होस्पिटल सेवावां दे रहा उत्थे लैबोरेटरी सेवावां देगी सारे इलाके नूं तीन तीन चार चार हजार दे महंगे असीं जिहड़े टेस्ट कराने मात्र 10 रुपये 50 रुपये दे विच उह टेस्ट हजारां रुपईआं वाले टेस्ट जिहड़े उह वी सिर्फ जिहड़े लड़का लड़की इत्थे टेस्ट करनगे जिहड़े इत्थे दो ड्यूटी ते रखे जाणगे जिन्हां ने इह टेस्टां दा डिप्लोमा पास कीता सिर्फ उहनां दी तनखाह वास्ते बाकी किसे तो कुछ मंगिया नहीं किसे तो कुछ लिया नहीं ये सारा जिहड़ा कार्ज सेवा दे कार्ज गुरु दी कृपा सदका होर बहुत सारे आ विस्तार विच जाइए ते बड़ा लंबा समा एक साल हो गया हरियाणा कमेटी दीआं सेवावां संभालियां ते जो रिपोर्ट कार्ड आ उह वी जारी कीता जिहड़े अज गल्लां मारदे आ मैनूं दसण उहनां ने आ चीके दीआं संगतां बैठियां कैथल इलाके दीआं इहनां नूं पता कि उत्थे जिहड़े कार्ज असीं कर रहे हां जो सेवावां कर रहे असीं कदे परवाह नहीं मन्नी विरोध विराध दी जो मर्जी करन पर जिहड़ा चंगा काम आ उहदे तों असीं पछाण नहीं हटणा इत्थों तक भी आ गया सी सुखमणी साहब दे पाठ गुरुद्वारे चों बंद कर दिते गए ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਚਾਲੂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਰਾਏ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 35 ਲੱਖ ਮੰਗਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 30 ਲੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਜਾਓ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਓ ਆ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਗਵਣ ਕੱਢ ਰਹੇ ਘਪਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਚਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸੋ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਏ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੋ ਦੇ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਜਾਣਾ ਸਰੋਪੋ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸਭ ਨੇ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਿਉਣੇ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਬਾਪੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ
और इस तरह डॉक्टर जगमीत सिंह जी बैठे है जिन्होंने किसानी मोर्चे च कई कई दिन उत्थे रह के हरियाणा कमेटी दे वल्लों मैडिकल दीयां सेवावां दित्तियां ने। भाई गोरा सिंह बैठे है इन्हां दा भी धन्नवाद करदा और जिथों जिथों संगतां आईयां ने बाहरों नगरां तों इलाके चों सब दा ही मैं दिल दीयां गहराइयां चों धन्नवाद करदा और जिहड़े सेवावां कर रहे आ गुरु घरां दे अंदर और लंगरां च किसानी संघर्ष च लोहार खेड़ा नखाटिया जहेदार गुरजीत सिंह औलख दे नाल उन्हां सब दा ही मैं धन्नवाद जहेदार गुरचरण सिंह चीमो